और परमेश्वर ने याकूब से कहा कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे वंश को आशीषित करूंगा, तेरी रक्षा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान और हमारा दृढ़गढ़ है। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर शाम के लिए। आज की शाम में हम सब भाई बहन एकत्रित हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ में संगति करने को, उसके वचन को सुनने के लिए, उससे प्रार्थना करने के लिए हम सब तैयार हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हम सबको एकत्रित किया कि हम उसके नज़दीकी में आएं और उसकी उपस्थिति में बैठे और उससे बातचीत करें। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उन्हें बहुत ज्यादा बुरे सपने आया करते थे और गलत विचार आया करते थे, परंतु जब से उन्होंने प्रार्थना सुनना शुरू किया और प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु यीशु मसीह ने इन बुरे सपनों से और उन बुरे विचारों से उन्हें पूर्ण रूप से छुटकारा दे दिया। मेरे प्रियो, वो बहन अब बहुत खुश है, आनंदित है। उसने कहा कि मुझे प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दिया है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन को छुटकारा दिया, उसी प्रकार से प्रभु आप को भी छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं याकूब के बारे में। याकूब जब अपने पिता के घर को छोड़कर चला गया तो वो एक जगह पर पहुंचा और वहां पर उसे बहुत थक लग गई थी, इसलिए वो वहां पर लेट गया और उसे नींद आ गई। तो उसने रात को एक सपना देखा कि उस स्थान से एक सीढ़ी जाती है जो कि स्वर्ग तक पहुंचती है और वहां पिता परमेश्वर बैठे हुए हैं। और परमेश्वर ने याकूब से कहा, हे याकूब, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, मैं अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर हूं। मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा, जिस भूमि पर तू है ये सारी भूमि मैं तुझे दूंगा। मैं तेरी रक्षा करूंगा और जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग में रहूंगा और मैं तेरे वंश के कारण पृथ्वी के सारे कुलों को आशीषित करूंगा। याकूब की नींद खुल गई और तब याकूब ने उस स्थान का नाम बेथेल रखा, यानी कि परमेश्वर का घर। और तब याकूब ने परमेश्वर से कहा कि हे मेरे परमेश्वर, यदि इस यात्रा में तू मेरे संग रहेगा, तू मुझे रोटी और कपड़ा देगा और मेरी जरूरत को पूरा करेगा और मेरी रक्षा करेगा और मुझे अपने पिता के घर वापस लौटा ले आएगा, तो तू मेरा परमेश्वर होगा और मैं तुझे अपनी कमाई का इस स्थान पर दशवांश दूंगा। और फिर याकूब वहां से आगे को चला गया। मेरे प्रियो, हम यहां पर देख रहे हैं कि वही याकूब जिसने अपने पिता से झूठ कहा, वही याकूब जिसने अपने भाई को धोखा दिया, वही याकूब जिसके कारण परिवार में लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो गए, उस याकूब को आज परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। उस याकूब को परमेश्वर दर्शन से बातचीत कर रहा है। उस याकूब से परमेश्वर वादा कर रहा है। उस याकूब को परमेश्वर आशीषित करने के लिए वादा कर रहा है। उस याकूब से परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे संग में रहूंगा, तेरी रक्षा करूंगा और तुझे आशीषित करूंगा। मेरे प्रिय, हो सकता है कि आपसे भी याकूब की तरह जीवन में गलतियां हुई हों। जब आपने कुछ गलत कर दिया हो अपने जीवन में और आप सोचते हो कि अब परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता, अब परमेश्वर आपसे बातचीत नहीं करेगा, अब परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, तो आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर का प्रेम आपके लिए कम नहीं हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए कम नहीं हुआ है, परमेश्वर ने आप को चुना है और परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। प्रभु यीशु मसीह आपको फिर से इस्तेमाल करेंगे, आपको फिर से उठाएंगे, आपसे फिर से बातचीत करेंगे, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगे तो प्रभु आपको फिर से इस्तेमाल करेगा, फिर से आपको उठाएगा, फिर से आपसे बातचीत करेगा और आपके द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से
परमेश्वर ने याकूब से दर्शन से बातचीत की, उसी प्रकार से प्रभु आपसे भी दर्शन से बातचीत करेगा, प्रभु आपसे भी दर्शन से बातचीत करेगा, आपसे परमेश्वर दर्शन से बातचीत करेगा। उन गूढ़ रहस्यों को, उन गूढ़ बातों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपको दर्शन के द्वारा बताएगा। और फिर मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको याकूब की तरह आशीषित करेगा। परमेश्वर आज शाम में आपसे कहता है कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग में रहूंगा, मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और तेरी जरूरतों को मैं पूरा करूंगा। जिस प्रकार से याकूब ने कहा कि हे परमेश्वर, तू मेरी रक्षा करना, तू मुझे रोटी और मेरे लिए कपड़े की व्यवस्था करना और मुझे फिर वापस ले आना। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से आप भी परमेश्वर से प्रार्थना करें तो प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे और आपके संग संग रहेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं मेरे यीशु, मेरे पिता, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं मेरे यीशु। हाँ मेरे पिता, अपने खाली मनों को लेकर, अपने आप को शून्य और छोटा करके, अपने आप को दीन और नम्र करके खुदा हम आपके नज़दीकी में आते हैं मेरे यीशु। हम सबको यीशु आप अपनी उपस्थिति से भर दीजिए, हमारे बीच में आपकी उपस्थिति मौजूद है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। सच में मेरे खुदावन, आप हमारी चट्टान, हमारा दृढ़गढ़ हैं, हमारे रक्षक हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप अब्राहम, याकूब और इसहाक के परमेश्वर है लॉर्ड, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जीसस, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवारों के लिए पिता। आज की शाम में जब ये भाई बहन, इनका पूरा परिवार आपकी उपस्थिति में बैठा प्रभु, आपके साथ संगति करने को सब तैयार है प्रभु, होने दे पिता परमेश्वर कि आप इन्हें अपनी आत्मा से भर दीजिए, अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए लॉर्ड। होने दे प्रभु आज की शाम, और आपकी सामर्थ्य को पाकर प्रभु ये आत्मा और सच्चाई से प्रभु तेरी पाक और पवित्र, अति पवित्र उपस्थिति में बैठ सके लॉर्ड। हर एक को अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु। होने दे होली स्पिरिट, आप इन्हें गाइड करें प्रार्थना में, आप इनकी अगुवाई करें प्रार्थना में, इनके शब्द नहीं परंतु पवित्र आत्मा आप इनमें होकर यीशु से प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद पिता प्रभु। जो कुछ भी हमने आज के वचन को सुना और इस वचन के द्वारा पिता आपने इस भाई इस बहन से बातचीत किया, हाँ मेरे प्रभु ये वचन इनके लिए है प्रभु, इस भाई के लिए, इस बहन के लिए, इनके परिवार के लिए पिता लॉर्ड। सच में मेरे पिता आप अपने वचन, उस स्वर्ग से ताए हुए वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत करते, धन्यवाद पिता। आज की शाम में आपने मुझसे, इन भाई बहनों से बातचीत किया, धन्यवाद मेरे प्रभु। सच में हम सब का रिश्ता प्रभु आपके साथ और भी ज़्यादा स्ट्रांग होने पाए। हम सबको अपनी बुद्धि से भर दीजिए प्रभु, हम सब की गलतियों को प्रभु जी जो आज के दिन में हमसे हुई हैं प्रभु, हम अपने हर एक गुनाह के लिए, हर एक गलती के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु, और हम पछताते हैं बहुत सारी बातों में हमसे गलतियाँ हुई है, हमारे व्यवहार, हमारे बोलने चलने के द्वारा प्रभु बहुत से पाप हुए प्रभु, हमें क्षमा करें पिता परमेश्वर प्रभु, दोबारा ये गलतियाँ, ये पाप, ये अपराध प्रभु हमारे जीवनों में ना दोहराई जाए परमेश्वर। ईश्वर धन्यवाद करते हैं लॉर्ड फादर। सच में मेरे प्रभु जी आप हमें दर्शनों को देने वाले परमेश्वर है प्रभु, जिस प्रकार आपने याकूब को पिता अपने दर्शन को बता के अपनी योजना को उस पर प्रकट किया, उसी प्रकार आज की शाम में मेरे पिता आप अपने बेटे और बेटियों को प्रभु अपने दर्शन के द्वारा बातचीत करें, जो भी योजनाएं, जो भी कल्पनाएं आप इनके लिए करते लॉर्ड, आप इन्हें दर्शन के द्वारा उन्हें प्रकट करें, हर एक भाई बहन प्रभु आपके दर्शन के खोजी होने पाए, आपके दर्शन को देखने पाए लॉर्ड फादर। धन्यवाद, जिस प्रकार याकूब ने आपके उस दर्शन को देखा प्रभु, उसी प्रकार प्रभु ये बहन, ये भाई प्रभु, इनका परिवार, इनके बच्चे आपके दर्शन के खोजी हो प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु मेरे प्रभु। प्रभु ये जो भी सपना देखे, जो भी दर्शन देखे प्रभु, वो आपकी ओर से होने पाए। यदि दुष्ट की ओर से कोई भी सपना, कोई भी दर्शन होता है प्रभु, यीशु के नाम से हम उसे नष्ट करते हैं प्रभु। यदि कोई भी दुर्घटना का, कोई भी प्रभु हानि का दर्शन है, यदि प्रभु कोई भी प्रभु मृत्यु का दर्शन प्रभु इन्हें आता है प्रभु, किसी की हानि की दर्शन इन्हें आता है प्रभु, यीशु के नाम से हम उसे खंडित करते हैं, उसे नष्ट करते, उस सपने को हम डिस्ट्रॉय करते, यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे प्रभु आपके दर्शन प्रभु इन पर
आप प्रकट करें, ये आपके दर्शन देखने पाए परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, जिस प्रकार आपने याकूब से कहा कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, हाँ मेरे परमेश्वर पिता, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवार के लिए, इनके हर एक जन की सुरक्षा के लिए। प्रभु मैं आपसे दुआ करती हूँ प्रभु कि आप इन्हें हर एक जानलेवा बीमारी से सुरक्षित रखें, हर एक महामारी से सुरक्षित रखें। जिस प्रकार आपका वचन भजन संहिता प्रभु 91 में कहता है कि मैं तुम्हें बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाऊंगा। धन्यवाद पिता कि आप इनकी सुरक्षा करें, हर एक जानलेवा बीमारी से, हर एक शत्रु से, हर एक दुष्ट से आप इनकी रक्षा करें, हर एक महामारी जो इस संसार में फैली हुई प्रभु इन भाई बहनों की, इनके परिवार की, इस वायरस से आप रक्षा करें। आपके पवित्र लहू से हम इन्हें ढांपते हैं, हर इनके घर परिवारों पर आपका पवित्र लहू लगाते, इन भाई बहनों पर जो आपके विश्वास करते प्रभु, इन पर आपके पवित्र लहू को हम अप्लाई करते प्रभु, क्योंकि आपका लहू छुटकारे का है, आपका लहू चंगाई का है, आपका लहू शिफा के लिए। हालेलुया, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। प्रभु मैं, मेरे प्रभु जिस प्रकार आपने याकूब से वादा किया मैं तेरे संग में रहूंगा, उसी प्रकार प्रभु आप इस भाई इस बहन के संग में होइए प्रभु, इनके संग में प्रभु। यदि ये अकेले हैं, यदि इनका कोई सहारा नहीं, इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, यदि ये परिवार में अकेले विश्वासी हैं, आपके नाम को अकेले जानने वाले हैं, होने दे प्रभु आप इनके संग में होइए, ताकि इनके द्वारा प्रभु इनका घराना तुझ में आशीष पाए प्रभु। प्रभु तूने तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, हाँ मेरे प्रभु आप इस भाई को आशीष दें, इनके बच्चों को आशीष दें, इस बहन को आशीष दें, इनके परिवार में नौजवानों को, बच्चों को, बुजुर्गों को आशीष दें प्रभु। धन्यवाद आज की शाम में जो कोई भी प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहा है, जो कोई भी अपने खाली हृदय को लेकर आया है, लॉर्ड आज कोई भी खाली हाथ न जाए, हर एक अपनी प्रार्थना का उत्तर आपके से आपसे लेकर जाए, जो बीमारियों में है वो अपनी शिफा को लेकर जाए। हालेलुया, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना करें, जिस भी कंडीशन से, जिस भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, प्रभु के सामने उन बातों को रख दीजिए। आप कहें प्रभु मैं दुख में हूँ, प्रभु मैं पीड़ा में हूँ, प्रभु मेरी ये चिंता है, प्रभु मेरे परिवार की ये समस्या है। हालेलुया प्रभु, जब ये भाई ये बहन अपने मुंह को खोलकर अपने निवेदनों को पिता आपके सामने रख रहे हैं प्रभु, इनकी सुधि लेकर इनके प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु। इस समय प्रभु जो भाई बहन पिता अपने कमेंट्स के द्वारा प्रभु निवेदनों को भेज रहे प्रभु यीशु मसीह, आप उनकी सुधि लीजिए, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए प्रभु। उनके प्रार्थना निवेदन जिस भी बात के लिए है प्रभु आप जानते हैं, आप उनके नाम को लेकर जानते हैं प्रभु, इनका नाम क्या है, इनके जीवन के हालात क्या है, आप सबको जानते हैं क्योंकि आप सर्वज्ञानी है पिता। लॉर्ड इनके जीवन में आप इनके प्रेयर्स का सॉल्यूशंस दीजिए लॉर्ड। जो कुछ भी इनके घर में हालात बिगड़े हुए हैं प्रभु, इनके रिश्ते बिगड़े हुए हैं प्रभु, बहुत सारी मुसीबत और संकटों से ये गुजर रहे लॉर्ड फादर, इनके प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए परमेश्वर। थैंक यू जीसस, आपने इनकी सुधि ली और इनको प्रभु हर एक प्रॉब्लम से आपने बाहर निकाला परमेश्वर। जो आज की शाम में बीमार है पिता, जो दर्द में है पिता, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो सीरियस कंडीशन में है लॉर्ड फादर, हर एक पर आपकी चंगाई हाथ को आप अपने बढ़ाइए प्रभु और छूले और चंगा करें प्रभु। बच्चे जो बीमार है प्रभु आप उन्हें छूले, नौजवान जो बीमार है उन्हें आप छूले, बुजुर्ग जो बीमार है उन्हें छूले, जो हॉस्पिटल्स में है उन लोगों को आप छूले, जो कोरोना वायरस से पीड़ित है आप उन्हें छूले प्रभु यीशु के नाम से। हर प्रकार की बीमारी बच्चों के शरीर से निकल कर चली जाए, हर प्रकार की बीमारी नौजवानों के शरीर से निकल कर चली जाए, हर प्रकार की बीमारी बुजुर्गों के शरीर से निकल कर चली जाए। जो हॉस्पिटल में कोरोना वायरस से पीड़ित है प्रभु, उनका वायरस सिम्टम और हर एक वायरस यीशु के नाम से नष्ट होने पाए पिता। आपका वचन कहता है वही तो तुम्हारे अधर्मों को क्षमा करता और तुम्हारे सारे रोगों को चंगा करता है प्रभु। आप इनके सारे रोगों को चंगा करें, इन्हें प्रभु चंगाई दे प्रभु। हालेलुया, थैंक यू फादर, आपने इन्हें चंगाई दी, आपने इन्हें छुआ प्रभु। इनका हर एक ऑर्गन जो बीमार है वो चंगा हो गया है प्रभु जी। हर एक ऑर्गन जो वर्क करना बंद कर दिया प्रभु वो वर्क करने लगे हैं प्रभु। जो आंखें देख नहीं सकती वो देखने लग गई हैं, जो कान सुन नहीं सकते वो सुनने लगे हैं, जो पैर चल नहीं सकते वो चलने लगे हैं प्रभु। थैंक यू फादर, हम ये विश्वास और प्रतीति मरकुस 11:24 के अनुसार करते हैं लॉर्ड फादर। थैंक यू फादर, आपने इन्हें चंगाई दिया। आज की शाम में हर एक बुरे सपनों से छुटकारा दें लॉर्ड। आज की शाम में आप अपने दर्शनों के द्वारा इन भाई बहनों से बातचीत करें प्रभु जी। थैंक यू जीसस, आज की रात में हर एक को मीठी और सुकून भरी नींद दे और इनके प्रार्थना का उत्तर दे। यूं ही प्रभु तेरे बेटे और बेटियां प्रभु अपने संबंध को तेरे साथ मजबूत करने पाए। धन्यवाद प्रभु,
प्यारे पिता, हम दुआ करते प्रभु जी, विशेषकर हमारे देश के लिए प्रभु, हमारे देश में आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु, इस देश में प्रभु जी सब कुछ आप व्यवस्थित करें परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से प्रार्थना मांग लेते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हम आप सब भाई बहनों का धन्यवाद करते हैं कि आज की शाम में आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यूं ही आप अपने रिश्ते को प्रभु यीशु के साथ में मजबूत करें, उसके वचन पर निरंतर मनन करें, उससे प्रार्थना करें ताकि आपका संबंध परमेश्वर के साथ में मजबूत होने पाए। प्रभु आज की शाम में आपको और आपके परिवार को नामो नाम आशीष दे। जय मसीह की।